जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। एंड गाइस, मेरे सामने आज है द ब्रांड न्यू BMW G310R। और ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, एकदम ब्रांड न्यू कलर स्कीम है। तो आज बेसिकली इस बाइक का मैं एक डिटेल वॉकआउट करने वाला हूँ। क्या है इस बाइक का स्पेसिफिकेशन, क्या है इसका 2022 में ऑन रोड प्राइस, क्या है फीचर्स एंड इसका कितना माइलेज है, ये भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका अगर कलर स्कीम की बात करें तो ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, दिस इज़ कॉस्मिक ब्लैक एंड और दो कलर स्कीम आता है, काइनाइट ब्लू मेटालिक और एक जो है पहले एकदम 2021 मॉडल में जो मैं वीडियो बनाया था लाइमस्टोन मेटालिक, उसका भी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में लिंक कर आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। दो कलर नया आया है, ये जो कॉस्मिक ब्लैक और ये जो कलर आप देख पा रहे हो, ये दो कलर नया आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 में इसका अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 320,667 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस, कोलकाता का ऑन रोड प्राइस। आपका स्टेट का ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना हो तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं इसका एक फ्रेश वॉकअराउंड से, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर आपको ब्राइट LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। ये LED जो आप देख पा रहे हो एंड LED के ऊपर जो है, मतलब DRL के ऊपर जो है, यहाँ पर आपको BMW LED का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है। हाई बीम, लो बीम ऑल यहाँ पर LED मिलता है। साइड पैनल जो है यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में मिलता है और मेन बाइक का जो थीम है, दिस इज़ ग्लॉसी ब्लैक। एंड 310 का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। नंबर प्लेट लगाने का जगह जो यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। R का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड F900 से इंस्पायर्ड आपको LED इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको अभी फ़िलहाल के लिए बंद करते हैं। तो थोड़ा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको 41mm का अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलता है, जो गोल्डन कलर में। यहाँ पर आपको एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर दी गई है दोनों साइड पे एंड मडगार्ड जो है यहाँ पर आपको प्लेन ब्लैक कलर में मडगार्ड मिलता है। ये रिम जो है ब्लैक कलर में है, लेकिन ये जो काइनाइट ब्लू मेटालिक एंड जो लाइमस्टोन मेटालिक है, उसमें आपको रेड कलर का रिम मिलता है। ये जो कॉस्मिक ब्लैक है, इसमें आपको सिंपल ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक कलर में आपको ये रिम मिलता है। और डिस जो देख पा रहे हो, दिस इज़ मैसिव 300 सेक्शन डिस विद वाइब्रे 4 पिस्टन फिक्स्ड कैलिबर के साथ ये डिस आपको मिलता है। डुअल चैनल ABS है, स्टैंडर्ड मिलता है। कोई भी ABS आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ABS जो है ऑल टाइम ऑन रहेगा, दोनों ABS। एंड फ्रंट टायर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिशेलिन का टायर मिलता है, पायलट स्ट्रीट रेडियल टायर 110/17 का आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिलता है। और थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। यहाँ पर R का ब्रांडिंग की गई है और साइड पोर्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो BMW का, यहाँ पर आपको 3D में लोगो मिलता है। ये जो पैनल है ये आपको पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलता है और मेन बाइक का जो थीम है ग्लॉसी ब्लैक है। और साइड का जो ये जो पैनल है, इसमें भी आपको ग्लॉस ब्लैक मिलता है। R का वाइट में यहाँ पर आपको स्टिकरिंग की गई है और ट्रस्ट मी गाइस, ये ब्लैक के साथ ये गोल्डन जो सॉकर है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। आप जरूर से ज़रूर शोरूम विजिट करके एक कलर को एक बार जरूर से ज़रूर आप देखना। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको 313cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड 4-valve DOHC रिवर्स इंक्लाइन इंजन देखने को मिलता है। इसका अगर पावर फिगर की बात करें तो 34 PS का आपको मैक्स पावर मिलता है, 28 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से, जो 6-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। एंड इसमें आपको एसिस टू स्लीपर क्लच का फीचर्स भी देखने को मिलता है। इंजन बैच प्लेट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हार्ड प्लास्टिक में बेसिकली इंजन बैच प्लेट मिलता है। और फुटपेक आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड ब्रेक लीवर जो है यहाँ पर काइंड ऑफ आपको ऑफ रोडिंग के लिए जो ब्रेक लीवर मिलता है, वो ब्रेक लीवर यहाँ पर आपको दी गई है। और फ्रेम जो है, दिस इज ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम, फ्रेम जो है पूरा ब्लैक कलर में है। एंड इंजन के साइड आपको BMW का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड इंजन जो है काफ़ी रिफाइन है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और इसका अप्रॉक्स आप अगर माइलेज की बात करें तो 30-35 km/h का माइलेज इस बाइक से आपको देखने को मिल सकता है। रियर जो सस्पेंशन है, दिस इज़ मोनोशॉक एब्जॉर्बर विच इज़ एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और एग्जॉस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर क्रोम सील दी गई है, इधर भी आपको क्रोम सील मिलता है। कास्ट एल्यूमिनियम यहाँ पर आपको स्विंग आर्म दी गई है। रियर जो डिस है, दिस इज़ मैसिव 240mm डिस विथ सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ और डुअल चैनल ABS है, स्टैंडर्ड मैं आपको बता दिया। और रियर में आपको कैलिपर के ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन आई होप इसमें आपको वाइब्रे कैलिपर मिलेगा। और रियर जो टायर है, इसमें भी आपको मिशेलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल टायर मिलता है। और इसका जो सेक्शन है 150/60 R17 का आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिलता है।
एंड दिस इज फाइव स्पोक एलॉय व्हील, भी आप 1 2 3 4 5 फाइव स्पोक एलॉय व्हील। और सीट कुशन की अगर बात करें तो सीट यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट मिलता है, मतलब सिंगल सीट है लेकिन स्प्लिट सीट जैसा आपको डिज़ाइन मिलेगा। और राइडर का सीट और पिलियन का सीट मतलब काफ़ी स्पेसियस सीट है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है टूरिंग के टाइम पे, या फिर आप अगर सिटी में भी चलाएंगे काफ़ी कंफर्टेबल आप चला सकते हैं और काफ़ी स्पेसियस भी है। ग्रैब रेल यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रैब रेल, और ये जो पीछे का काउल भी आप देख सकते हो पीछे का जो है। यहाँ पर आपको रियर में आपको LED टर्न इंडिकेटर मिलता है, LED टेल लाइट भी देखने को मिलता है। इसको एक बार स्टार्ट ऑन करते सो दिस इज़ द LED टेल लाइट एंड रिफ्लेक्टर यहाँ पर दी गई है, और नंबर प्लेट लगाने का जो जगह यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। एंड रियर से ये बाइक जो है और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, मतलब 150 सेक्शन टायर दी गई है और ये पोर्शन जो है पूरा ब्लैंक है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। एग्जॉस्ट का नोट जरूर मैं आगे आपको सुनाऊंगा। BMW का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इस साइड की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैसिव साड़ी गार्ड मिलता है, और दिस इज़ ओपन साइड चेन सेटअप, तो लगभग 500 टू 600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा, इससे आपका चेन पॉकेट ज़्यादा दिन तक चलेगा। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर इसमें आपको मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। मिडिल स्टैंड यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। टो शिफ्टर दी गई है, ऑब्वियसली नेकेड स्पोर्ट मशीन है तो इसमें आपको टो शिफ्टर डेफिनेटली मिलेगा। बाकी थोड़ा ऊपर की तरफ हैंडल बार जो है काफ़ी वाइड हैंडल बार है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार है। आप सामने से एक बार मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप हैंडल बार एक बार देख सकते हो, मतलब काफ़ी वाइड हैंडल बार है। एंड आपको हैंडल बार की यहाँ पर एक टाइनी सा छोटा सा एक टू चिंटू BMW का आपको एक लोगो मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है इतना छोटा लोगो। और बेसिकली यहाँ पर आपको मिलता है इंजन कट ऑफ स्विच, सेल बटन, हाई बीम, लो बीम एंड DRL आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, DRL को भी ऑन कर सकते हैं। इसका एक फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली DRL पूरा तो ऑफ नहीं होता है, लेकिन अब जैसे इग्निशन ऑन है, अब जब सुबह का टाइम चलाएंगे तो आप ऐसे रख के, तो इससे जो होगा आपका सिर्फ DRL ऑन रहेगा। बाकी इसको अगर आप लो बीम पे करेंगे तो लो बीम ऑन होता है, बाकी हाई बीम पे भी करेंगे तो ये हाई बीम ऑन हो जाएगा। तो इसको फिलहाल के लिए बंद करते हैं, बैटरी ड्रेन हो रहा है। और इधर भी आपको डीपर का स्विच मिलता है, एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलता है, और इसमें जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, और सेकंड जो है इसमें आपको राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी मिलता है जिसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी क्रिस्प है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच मिलता है, हॉर्न भी एक बार सुना देते हैं, काफ़ी लाउड हॉर्न है। और एडजस्टेबल क्लच लीवर तो मैं आपको दिखा दिया, क्लच जो है काफ़ी लाइट है, मतलब एक आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक 300cc का बाइक चला रहे हो, क्योंकि इसमें आप स्लिप एंड एसिस क्लच मिलता है, तो जिसके कारण आपका क्लच काफ़ी लाइट होता है। और मिरर भी आपको ठीक ठाक है, प्रॉपर आपको रियर व्यू मिल जाता है इस मिरर से। बाकी एक बार की दिखा देते हैं, की जो है की यहाँ पर एकदम बेसिक की है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी वेब की वगैरह इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिल रहा है। BMW का एक लोगो है, तो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए सब कुछ मिल जाता है। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है आपका फ्यूल का, शो कर रहा है कितना स्पीड, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर माइल पर आवर यहाँ पर शो करता है। गियर पोजिशन इंडिकेटर कौन सा गियर पर है, टाइम शो कर रहा है, टैकोमीटर यहाँ पर शो करता है। उसके बाद आपको अगर सर्विस रिमाइंडर भी यहाँ पर शो करता है, जैसे सर्विस का टाइम आएगा सर्विस रिमाइंडर, यहाँ पर आपका इंजन टेम्परेचर, इंजन मालफंक्शन कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा। बाकी एक स्विच दी गई है यहाँ पर, बेसिकली इससे आप ओडो, ट्रिप वन, ट्रिप टू, इंजन टेम्परेचर, रेंज का, इनिशियल फ्यूल कंजंक्शन, एवरेज फ्यूल कंजंक्शन, स्पीड एवरेज स्पीड, तो डेट, काफ़ी लॉट्स ऑफ फीचर्स के साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। बाकी इसको एक बार ऑफ करके ऑन करके और भी एक बार दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस, फारेनहाइट, काफ़ी लॉट्स ऑफ फीचर्स के साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आते हैं। यहाँ पर आपको न्यूट्रल का सिग्नल मिलता है, बाइक अगर रिजर्व पे रहेगा तो रिजर्व का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल यहाँ पर दी गई है, और इंडिकेटर का सिग्नल ये आप देख पा रहे हो, ABS का सिग्नल, कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा, बैटरी अगर लो रहेगा तो शो करेगा, इंजन मालफंक्शन, लॉट्स ऑफ सिग्नल के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसको अभी एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी एक बार आपको सुना देते हैं। साउंड जो है गाइस काफी थ्रोटी साउंड है,
एंड अभी जो इंजन हीट होने के लिए यहाँ पर ऑटो चोक अभी हो रखे है, तो इसको थोड़ा ऑटो चोक अगर थोड़ा बंद होता है तो इसका साउंड जो है और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अभी इंजन जितना हीट होगा, अभी देखिए इसका साउंड पहले से कम हो चुका है क्योंकि ऑटो चोक जो है अभी बंद हो चुका है, इंजन जो है अब टेम्परेचर पे आ चुका है। अब सुनिए एग्जैक्ट साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तगड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है भाई साहब, काफ़ी तगड़ा है ड्यू टू राइड वाइड वायर। ओके गाइस, अभी इसका बुकिंग के बारे में आते हैं। तो इसका मेनली आपको अगर बुक करना है तो मिनिमम आपको 30,000 से आप इस बाइक को बुक कर सकते हैं। 30,000 दे के आपको ये बाइक बुक करना पड़ेगा और लगभग वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो 1 से 1.5 महीना आपको लगभग वेटिंग पीरियड अप्रोक्स मिल सकता है। बाकी इस बाइक को अगर आपको टेस्ट राइड चाहिए या फिर परचेस करना है या फिर देखना है, तो आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो, आप अगर हावड़ा हुगली कोलकाता से हो, तो डेफिनेटली आप OSL BMW मोटर कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आपका स्टेट में इस बाइक का अगर ऑन रोड प्राइस आपको जानना है तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट करो, आपका स्टेट में इसका कितना ऑन रोड प्राइस है ये मैं कमेंट के थ्रू जरूर आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी गाइस आप लोग बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, सेफ राइड, सेफ ड्राइव। टाटा बाय गाइस।